देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं हूं रमन सैनी। जम्बू जू के जरिए जम्मू को मिला एक और नायाब तोहफा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्बू जू की औपचारिक शुरुआत कर दी और विजिटर्स के लिए इस जू को खोल दिया गया है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे स्टार्टिंग से ही देखेंगे तो उन्होंने नेचुरल हैबिटेट को मेंटेन किया है। उन्होंने जो सिर्फ नीडफुल एरिया है उसी को ही रोड मेंटेन किया, बाकी उन्होंने प्रॉपर नेचुरल हैबिटेट को मेंटेन रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिससे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा एनिमल्स को। तो इट्स रियली गुड, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। जम्बू जू के उद्घाटन के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी सहयोगियों का अभिनंदन करना चाहता हूँ और इस वाटिका के निर्माण कार्य में जुटे सभी श्रमिक भाइयों एवं वन विभाग के कर्मचारियों का भी अभिवादन करता हूँ। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि लंबे समय के इंतजार के पश्चात आखिरकार ये परियोजना पूरी हो गई और आज इसे जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित किया गया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, विवरण आपको बताया गया है। ये 62 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा लागत में मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड जू पहली बार जम्मू कश्मीर में बना है, जो इतने खूबसूरत हिली एरिया में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 70 हेक्टेयर में फैले इस जू के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जैसा बताया गया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं वो उसमें से अधिकांश लोग हमारे विद्यार्थी, आसपास के निवासी, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ भी आएंगे और ये प्रयास हमको अनवरत करना होगा। और मैं समझता हूँ कि टूरिज्म की दृष्टि से यह जो काम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्बू जू का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। G20 की बैठक का जिक्र अभी भारत भूषण जी ने किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 से ज़्यादा नागरिकों को इस आयोजन ने गर्व से भर दिया है। वैसे तो बैठक टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की थी, मुझे लगता है कि जो लोग दुनिया के 27 देशों से आए थे, यहाँ की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का जो अनुभव करके गए हैं वो विश्व पटल पर निश्चित रूप से रखेंगे। और एक बात जो मैंने महसूस की है कि ठीक है कि प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया, लेकिन जो एक बड़ा परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में, राष्ट्र प्रथम की भावना इससे बहुत ही बलवती हुई, नेशन फर्स्ट की जो भावना है वो बहुत बलवती हो गई, उसका प्रदर्शन हमने देखा है। उन तमाम लोगों के बयानों के बावजूद जो तरह तरह की अटकलबाजियां बयान दे रहे थे, जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सहयोग किया,
खासतौर से युवा पीढ़ी ने, महिलाओं ने, वो निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। और मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर अपने विकास के पथ पर शिखर की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। लंबे समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की एक नई जमीन तैयार हुई है और आज एक ऐसे मुकाम पर हम खड़े हैं जहां विकास की वृद्धि दर इस रफ्तार को और तेज कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है।